नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी के लड्डू। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिहार में इसे तीसी कहा जाता है। तो हमने अलसी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे 300 ग्राम अलसी लिया है, साथ में ही खांड 300 ग्राम हमने खांड लिया है, 200 ग्राम आटा लिया है, गेहूँ का आटा ले ले, गोंद हमने 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम काजू है, 100 ग्राम बादाम है और 50 ग्राम वॉलनट है यानी अखरोट, और साथ ही आधा केजी घी ले लिया है हमने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अलसी के लड्डू। अलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये लड्डू हम सनेस के नियमित बना रहे हैं, हमारे पास कई सारे ऑर्डर्स आए हैं तो उसे ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए अलसी हमने भुनने के लिए डाल दिया है। इसमें चटकने की आवाज़ शुरू हो जाएगी जब आपको पता चल जाएगा कि अलसी भुन करके तैयार है। लो फ्लेम पे हम अलसी को भुनेंगे। देखिए इसमें चटकने की आवाज़ अच्छी सी आने लगी है। 3 से 4 मिनट में अलसी भुन करके तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार है, हम इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडी होने के लिए रख देंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये एक खट्टा सा हो जाएगा, तो पता चलेगा कि आपको भुन चुका है। 2 चम्मच तेल घी गरम करके, 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे और उसमें हम ये भुनना स्टार्ट करेंगे गोंद को। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे इस तरह से, तो हो करके तैयार हो जाता है। ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये देखिए एकदम से खिल गए हैं सारे। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये सारे एकदम अच्छे से भुन चुकी है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गोंद आपके स्किन को भी ग्लो करेगा और साथ ही आपके कमर में दर्द हो तो भी ये गोंद के लड्डू बना करके खा सकते हैं। अभी तो मैं अलसी के लड्डू बना रही हूँ और गोंद के लड्डू भी हम जल्दी बनाएंगे। फिर हम उसी ऑयल में बादाम भी भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट इसको भी भून लिया है हम लोगों ने, इसका भी हल्का सा कलर चेंज हो गया। एक बर्तन में निकाल लेंगे। काजू भी इसी ऑयल में हल्का हल्का भून लेंगे काजू का कलर चेंज होने तक। हाँ देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो हमने जार में डाल लिया है मिक्सर में। अब हम इसे एकदम हल्का सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। हाँ ये देखिए इस तरह से हम दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक करने से ना इसमें ऑयल निकल जाएगा तो फिर लड्डू में स्वाद नहीं आएगा। इस तरह से पीस करके सारा निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को आप दरदरा काट ले, नहीं तो आप चंड भी कर सकते हैं। कटे हुए के स्वाद और भी अच्छा आएगा, मुंह में हल्का हल्का फ्लेवर आता रहेगा सभी का। जो है हल्का सा आटा गुनगुना रहेगा तो लड्डू बनने में आसानी रहेगी, नहीं तो आप बाद में भी हल्का सा गरम कर सकते हैं आटे को। अब हम हल्का सा अलसी को भी गरम कर लेंगे, हल्का सा अलसी को भी गरम कर लेंगे भुनने के बाद। इससे लड्डू अच्छे से बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए इसे हम गरम करेंगे कढ़ाई में। अब घी को हम हल्का सा गरम कर लेंगे और इसे हम सभी मिक्सर में मिलाएंगे। अब हम घी को एक कढ़ाई में गरम कर लेंगे और ये पिसे हुए अलसी आटा इन सब के बांधने के लिए, लड्डू को बांधने के लिए घी को हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, सभी सामग्री को हम एक में बर्तन में मिला लेंगे और हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब साथ ही हम खांड ऐड कर लेंगे। अब इसे हम मिलाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम मिलाएंगे। हल्का हल्का गोंद को क्रश करते हुए सभी को अच्छे से मिला लें। लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ताकत से हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको बांधना स्टार्ट करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे सभी लड्डुओं को। ये देखिए आप गर्म गर्म कढ़ाई में सभी को मिला लेंगे तो आसानी से बनना बन जाएगा। ये बन रहे लड्डू, ये देखिए इसी तरह से सारे लड्डू हम बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए कुछ बन भी चुके हैं। देखिए हमारे लड्डू बन करके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिहारी खाना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, जिनको भी चाहिए अलसी के लड्डू वो हमें ऑर्डर करें, नंबर स्क्रीन पर दिया गया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहारी खाना।